हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर, जैसा कि वीडियो देख सकते हैं ब्लैक से व्हाइट होने वाले वीडियो आप किस प्रकार बना सकते हैं, जो टिकटॉक पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। यदि आप इस तरह के वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले एक वीडियो शूट कर लेना है कुछ इस तरह से। वीडियो शूट करने के बाद वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक दे चुका हूँ और एक काइन मास्टर अप्लीकेशन को, दोनों को आपको डाउनलोड कर लेना है। वीडियो शूट कैसे करना है, जब भी आप फर्स्ट पार्ट के वीडियो शूट करेंगे तो आपको यहाँ पे लाइटिंग जो होता है, लाइट जो आप चालू करके रखे होते हैं लेफ्ट साइड या राइट साइड, उसे आपको ऑफ कर देना है। और सेकेंड टाइम जब वीडियो शूट करेंगे तो आपको लाइट को ऑन कर देना है। बस के बाद हम काइन मास्टर अप्लीकेशन से एडिट करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ओके सो ऑल राइट गाइस, तो हम आ चुके हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। सिंपल आपको करना क्या है, प्ले स्टोर ओपन करना है और यहाँ पे आपको सर्च बार में सर्च कर लेना है ओपन कैमरा, और इसके बाद इसे ओपन करना है। इसके बाद इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हूँ तो इसे हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको वीडियो शूट कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको फर्स्ट पार्ट का वीडियो कुछ इस तरह से शूट करना है। यहाँ से आप देख सकते हैं एक ऑप्शन मिल जाता है शूट स्टार्ट करने का। तो सिंपल सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसे क्या होता है, हम लॉक लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको जो फर्स्ट पार्ट के जब वीडियो शूट करेंगे तो यहाँ पर जो ब्राइटनेस है आपको बिल्कुल नॉर्मल कर देना है। यहाँ पर अपने हिसाब से एडजस्ट आपको कर लेना है। तो यहाँ पर इस तरफ यहाँ इतना एडजस्ट करना है कि जब भी वीडियो शूट करेंगे तो यहाँ पर आपको लगना चाहिए कि नाइट है, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो फर्स्ट पार्ट तो सिंपल यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे मैंने 3 सेकेंड का लगा रखा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा वीडियो स्टार्ट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं जब हम ऊपर करेंगे तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से शूट होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद जैसे ही आपको फर्स्ट पार्ट का वीडियो शूट हो जाएगा तो सेकेंड पार्ट का जब वीडियो शूट करेंगे तो इस ब्राइटनेस को आपको कुछ इस तरह से ज़्यादा कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारा वीडियो अब जो शूट हो रहा है कुछ इस तरह से शूट हो रहा है। तो आपको दो पार्ट में वीडियो को अलग अलग शूट कर लेना है या फिर एक साथ भी शूट कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे हम डन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा वीडियो शूट हो चुका है। तो हम इस वीडियो को काइन मास्टर अप्लीकेशन से एडिट करेंगे। तो चलते हैं काइन मास्टर अप्लीकेशन की ओर। काइन मास्टर अप्लीकेशन ओपन करना है, प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, मीडिया पर आना है और आपने जो वीडियो शूट कर रखे उस वीडियो को सिंपल सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने वीडियो को सेलेक्ट कर लिया हूँ। सेलेक्ट करने के बाद वीडियो क्लिप पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले ओरिजिनल साउंड को म्यूट कर देंगे। स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है और आपको यहाँ पे देखना हमारा वीडियो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को सबसे पहले ट्रिम टू लेफ्ट करेंगे और जैसे कि वीडियो को हम आगे की तरफ करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से फ्लैप करता हूँ। तो आपको काफ़ी ध्यान से यहाँ पर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको जैसे ही यहाँ पर मान लीजिए फ्लैप करता हूँ, इस पोजिशन में आना है और इसे हम स्पीड टू प्ले हिट कर देना है। इसके बाद हम सेकेंड वीडियो की तरफ आ जाते हैं। इस वीडियो में देख सकते हैं, इस वीडियो में मैं भी फ्लैप करता हूं कुछ इस तरह से। तो आपको दिखाता हूं मैं, तो जैसे कि देख सकते हैं इस पोजीशन में आना है, वीडियो कलर पर क्लिक करेंगे, कैची के निशान पर क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड का पार्ट को ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। अब देख सकते हैं जैसे ही हम फ्लैप करेंगे कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो लग रहा है जैसे कि हम ब्लैक से वाइट हो चुका है। तो इस तरह से आपको एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। उसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर आना है, लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। कैची के निशान पर क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर देना है, वीडियो पर क्लिक करेंगे, डिलीट करेंगे, सेटिंग पर क्लिक करना है, ऑडियो फेड आउट ऑफ कर देना है, शेयर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है और आपका वीडियो यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एक साउंड लिंक दे दूँगा, उसी वीडियो के साउंड पर वीडियो को अपलोड कर देना है। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल शैलेंद्र चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि आपको किसी भी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।